या बातमीचे प्रायोजक आहेत अफसान स्वीट्स। प्रहार संघटना ने सोलापुर में रास्ता रोको आंदोलन करके कर्नाटक सरकार का विरोध किया। कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। कर्नाटक के उडुपी के इंटर कॉलेज से शुरू हुआ यह हिजाब का विवाद कर्नाटक के बहुत सारे जिलों में बढ़ता जा रहा है। 21 जनवरी उडुपी के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम समुदाय की छात्राएं जब हिजाब पहनकर कॉलेज गई तो उन्हें कॉलेज के गेट पर प्रिंसिपल द्वारा रोक लगाई गई। छात्राओं ने इन कॉलेज के प्रिंसिपल से विनती की कि हमें हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने उन छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी। अब कर्नाटक के कई जिलों में इस घटना का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय की छात्राएं रास्तों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। छात्रों का यह कहना है कि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि वह अपने धर्म के अनुसार हिजाब पहन सकती हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का यह विवाद सोलापुर में भी आज दिखाई दिया। प्रहार संघटना के माध्यम से सोलापुर से बीजापुर की ओर जाने वाला रास्ता रोककर प्रहार संघटना ने भी कर्नाटक सरकार का विरोध किया। इस रास्ता रोको आंदोलन में छात्राओं ने बड़ी तादाद में शामिल होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेरा नाम सोला नजीर पटेल है। मैं प्रहार संगठना में अपने फ्रेंड्स के साथ शामिल हुई हूँ। और ये जो कर्नाटक में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है, लड़कियाँ रास्ते पर आंदोलन कर रही हैं, ये गलत है। हमारी शरीयत में पहले से हिजाब पहनना है। हमारे माँ बाप ने अब तक हमको नहीं रोका, तो आप कौन रोकने वाले हैं? हम हिजाब पहनेंगे, ये हमारा प्रोटेक्ट है। कर्नाटक में जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है? सही है, वो हिजाब के लिए लड़ रही है, ये सही है। हम पहले से ही हिजाब पहनते हैं, तो आगे भी पहनेंगे। एजुकेशन का हिजाब से कोई ताल्लुक नहीं। जो प्रहार संगठना की तरफ से जो प्रोटेस्ट रखा गया था, उसमें आप क्यों शामिल हुए? क्योंकि हम उन लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही है। मतलब आप भी हिजाब पहनेंगी? हाँ, हम भी हिजाब पहनते हैं, तो हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ बीजापुर रोड पर आकर आंदोलन करें, इसका बहुत बहुत शुक्रिया ये मोदी सरकार के लिए कि दो दिन में अगर ये आंदोलन बंद नहीं करे तो हम कर्नाटक में आंदोलन करेंगे, प्रहार करेंगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। और हम हिजाब करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। वालेकुम। मेरा नाम अल्फ़ेस इस्माइल शेख है। आज प्रहार संगठना की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ था, हम सभी फ्रेंड शामिल हुए थे। जो कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की परमिशन नहीं दी गई है, वो उसका हम विरोध करते हैं। स्कूल और कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की परमिशन नहीं दी गई है की वजह से आज हमारी बहनें रास्तों पर प्रोटेस्ट कर रही है, और ये और उन्हें उनकी पढ़ाई पर असर हो सकता है। पढ़ाई पर असर होने से उनका जिम्मेदार कौन होगा? और
सरकार से मेरी ये विनती है कि आपने हर जगह पॉलिटिक्स लाई एजुकेशन में, मेरी आपसे गुजारिश है कि एजुकेशन में प्लीज़ आप पॉलिटिक्स न लाए। एजुकेशन में, एजुकेशन के लिए हिजाब का क्या रिलेशन आता है? और हमारी ये कर्नाटक की बहनों से, बहनों की यही मांग है कि हिजाब को ना रोका जाए, और हमारी भी यही मांग है कि कर्नाटक में हिजाब के लिए रोका ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महकशा गदवाल है। कर्नाटक में जो आज हिजाब को लेकर लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही है, हम उनके साथ हैं। हिजाब पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब ही हमारी सेफ्टी है। सरकार से गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म करे। एजुकेशन से हिजाब का कोई रिलेशन नहीं है, और जल्द से जल्द ख़त्म करने की गुजारिश की जाती है। कर्नाटक में जो कॉलेज में हिजाब ना पहनकर आने के लिए कह रहे हैं, ये गलत है। हम हिजाब पहले से ही पहनते हैं। हम हिजाब का एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमें ये पहनने से ना रोके, और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। एजुकेशन में पॉलिटिक्स को ना कंपेयर करें। हम हिजाब पहले से ही पहनते हैं और हम पहनेंगे। हमें कोई रोक नहीं होना चाहिए हिजाब में। हमें इसे छीन नहीं सकता। मोदी सरकार हर जगह रियासत ये सभी बीच में लेकर आती है, लेकिन हिजाब के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा हक है। ये दस्तूर हमें हक देता है। दस्तूर में सभी मजहब के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा है कि हर मजहब के हर फर्दों को अपने अपने मजहब का एक्सेप्ट करने का हक है। तो हमें क्यों नहीं, हमें हिजाब से क्यों नहीं ये कर रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम जो ये कार्य है इसका विरोध करते हैं। हिजाब हमारा हक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे का फ्यूचर है। हम भी कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ने दो। बीच में कुछ मत लाओ, हमारी नेक्स्ट वीक एग्जाम है। मेरा कहना आपसे यह है कि जो कर्नाटक में अभी फिलहाल माहौल बना है, उसको देखते हुए कहीं दिल में डर पैदा हुआ है कि किस तरह का बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, इससे दिल में डर वगैरह पैदा हुआ है? नहीं नहीं, हम इसका साफ ही विरोध करते हैं। आपको हिजाब चाहिए? चाहिए, हाँ, हमको हिजाब चाहिए। और आप ना, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को ऐसे पढ़ाते हैं बगैर हिजाब के? सोलापुरात प्रहार संघटनेच्या वतीने कर्नाटक का जो हिजाब, हाँ, जो इसका बुरके का जो विरोध कर रहे थे, हिजाब का विरोध कर रहे थे, उनको एक झुंड को, एक अकेली शेरनी ने उनको मात दे के हराया। क्या वो हिम्मत महाराष्ट्र की बेटी में है? हम में हिम्मत है, हर एक बेटी में वो है। आने वाले कल में अगर कई ऐसे झुंड आपके विरोध में, हिजाब के विरोध में उतरेंगे, क्या उनके डट के मुकाबला कर देगी? तैयार है हम करने के लिए, तैयार है। और सिर्फ हम अकेले नहीं है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हबीबा है। ये जो कर्नाटक में कुंदनपुरा में चल रहा है हिजाब के लिए, हिजाब पहनना नहीं है लेक्चर में, तो ये सरासर गलत है। हमको वो बच्चों को इंसाफ दिलाना है। का आज इधर हुआ, आज कर्नाटक में हुआ है, आगे इधर होगा, तो हम लड़ने के लिए तैयार है। वैसे 100 कुत्ते आने तो एक शेरनी काफी हूँ मैं, उस कुत्तों के लिए लड़ने के लिए। ये हिजाब हमारा फक्र है, हम खुद से, हमको कंफर्टेबल फील होता है, ये हम पहनना पसंद करते हैं, ये हमारे रिलीजन में राइट है, तो हम क्यों नहीं पहने? ये हमको इंसाफ चाहिए। वो सब अगर किसके बाप में दम है तो ये हमारा हिजाब उतार कर दिखाओ। अच्छा, प्रहार संघटने की तरफ से जो हिजाब उनका रास्ता रोको किया गया था, आज अभी इस रास्ता रोको आंदोलन में आप भी कई एक ऐसी लड़कियां जो थी हिजाब के साथ यहाँ मौजूद थे, हाँ। दो दिन का अल्टीमेट कर्नाटक सरकार को प्रहार संघटने की तरफ से दिया गया है, हाँ। दो दिन में अगर वो कायदे की सुधार अगर ना हुई तो प्रहार संघटने के पदाधिकारियों ने कर्नाटक में घुसने की बात की है, हाँ। उस वक्त की आप ये महिला वर्ग हिजाब के साथ कर्नाटक में घुसने के लिए, यस हम कर्नाटक में घुसने के लिए तैयार है, और वैसे 100 कुत्तों को टक्कर देने के लिए तैयार है। कर्नाटक की एक शेरनी 100 सुअरों पे जो भारी गिरी थी, क्या वो शेरनियों में आज यहाँ के शेरनियों में वैसा दम है? यस बिल्कुल है, हम सब है। आने वाले कल में कर्नाटक के अंदर घुसने की हिम्मत आप लोगों में है? आज यहाँ घुसे हैं, आगे कल कर्नाटक में घुसेंगे हम लोग। आज जो प्रहार संघटने को आप लोगों का सपोर्ट मिला, आने वाले कल में भी प्रहार संघटने के साथ आप रहोगे? बेशक हम रहेंगे, हम आगे जाएंगे, सपोर्ट करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार।
खास सोलापूर करांसाठी विजापूर वेस्ट परिसरात सुरू झाले आहे अफजान स्वीट्स। उत्तम दर्जाचा नाश्ता, विविध प्रकारचे स्वीट्स, स्पेशल ज्यूस आयटम, नमकीन आणि चाट पदार्थ एकाच ठिकाणी मिळण्याचे एकमेव ठिकाण अफजान स्वीट्स। स्वीट मध्ये कुंदा, बासुंदी, जामुन, गाजर हलवा, रसमलाई, सीताफळ रबडी, अंगूर रबडी, मलाई बर्फी, पेढा आदी मिळेल। नाश्ता मध्ये पुरी भाजी, शाबू वडा, बटाटा वडा, इडली वडा आदी उपलब्ध। ज्यूस मध्ये स्पेशल खजूर ज्यूस, मँगो, मस्तानी, फालुदा, क्रीम फ्रूट सॅलड। चाट मध्ये बास्केट चाट, दही वडा, पाणीपुरी, कचोरी, हात पापडी, दही भल्ला यांसारखे चविष्ट पदार्थ उपलब्ध। नमकीन मध्येही समोसा, पाव चटणी, वडापाव यांसारखे स्पेशल आयटम फक्त आणि फक्त अफजान स्वीट्स मध्ये। खास फॅमिली साठी स्वीट, नाश्ता, ज्यूस, नमकीन पदार्थ खाण्यासाठी स्वतंत्र सोय। स्वच्छता आणि उत्तम सर्व्हिसला प्राधान्य। झोमॅटो, स्विगी वर घर बसल्या आपला मनपसंद मेनू ऑर्डर करा। या पहा आणि एकदा अफजान स्वीट या दुकानास भेट द्या। अफजान स्वीट, पेंटर चौक, विजापूर वे, सोलापूर।